देश का बैंकिंग सेक्टर अब नौकरियों के मामले में अपनी चाल ढाल को बदल रहा है। एक तरफ जहां सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम हो रही है, वहीं निजी बैंकों में रोजगार के मौकों में इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 वर्षों में सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में 50,000 से ज्यादा की कमी आई है, जबकि इस मियाद में निजी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 1,13,000 बढ़ गई है। यानी अब बैंकों में सरकारी नौकरियां तो कम हो रही हैं, लेकिन कुल रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 21 सरकारी बैंकों में कुल 8,44,000 कर्मचारी थे, जो 2022 में घटकर 7,94,000 रह गए। इस दौरान अगर देश के अलग अलग सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या में आए बदलाव पर नजर डालें, तो देश के सबसे बड़े बैंक SBI में कर्मचारियों की संख्या में सबसे ज्यादा कमी आई है और यहाँ पर 2,64,000 कर्मचारियों के मुकाबले 19,791 कर्मचारी घटे हैं और अब 2,44,000 ही इसमें काम करते हैं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में कर्मचारियों की संख्या में 1,342 का इजाफा हुआ है, जबकि केनरा बैंक में 1,294 लोगों की संख्या घटी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में कर्मचारियों की संख्या 3,080 घटी है। UBI में 3,000 कर्मचारियों की संख्या कम हुई है। वहीं अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो उनमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है और रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट बैंकों में कर्मचारियों की संख्या 4,20,000 से बढ़कर 2021 में 5,34,000 हो गई है। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े HDFC बैंक में कर्मचारियों की संख्या इस दौरान करीब 21,000 और एक्सिस बैंक में 7,500 बढ़ी है। अनुमान है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण और आउटसोर्सिंग से आने वाले समय में कर्मचारियों का ये आंकड़ा और घट सकता है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक कर्मचारियों की संख्या सरकारी बैंकों में घटने की वजहों में शामिल है। करीब आधा दर्जन सरकारी बैंकों का मर्जर, जिससे ब्रांचों की संख्या कम हुई और कर्मचारियों की संख्या घट गई है। आउटसोर्सिंग के चलते भी सिक्योरिटी गार्ड, सफाई और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बैंकों के पे रोल पर नहीं रह गए हैं। साथ ही अब क्लर्क भी आउटसोर्स करने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही बैंकों के निजीकरण से भी घाटे वाली ब्रांच बंद हो रही है और आने वाले दिनों में 600 ब्रांच बंद होने से भी कर्मचारी घट सकते हैं। ऐसे में भले ही सरकारी नौकरियों के मौके घट रहे हैं, लेकिन अभी तक कुल रोजगार घटने की जगह बढ़ने का ही आंकड़ा सामने आ रहा है।